खबरों की शुरुआत करा। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पे समग्र देश में इस लो महिला ने याद करण लाग रही है। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने करनाल पहुंच के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ताई श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने गांधी परिवार की सिक्योरिटी वापस ले ली है, रिश्ते उन कोई फर्क नहीं पड़ता से। उन्होंने कहा कि हम पूरा कांग्रेस परिवार गांधी परिवार की सिक्योरिटी से। तो वही प्रदेश भर में चल रहे प्रदर्शन ने लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, युवा धक्के खाने लाग रहे हैं और किसानों के धान नहीं बिक रहे हैं। इन सारे मुद्दे ने लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने लाग रही है। तो वही कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ खानापूर्तिकरण का काम कर रही है, बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है, जिससे कोई फायदा जनता ने नहीं होना। हमारा संगठन पूरी डाल एक्टिव से हर मुद्दे ने लेकर पब्लिक के बीच में लेकर जान लाग रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के विरोध पर तंज कसते हुए इन्हू कहा है कि कांग्रेस ने अच्छे विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए। तभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि वह लोग अपनी सरकार बनाने की कोशिश में थे, लेकिन जब वे सरकार बनाने में नाकाम रहे थे तो इस डाला की बयानबाजी कर रहे थे। विज ने कहा है कि कांग्रेस की यह हरकत उनकी हताशा ने दर्शाने लग रही है। विपक्ष में हैं वो करें, अब उनका अधिकार है प्रदर्शन करने का और करें, विपक्ष की भूमिका अदा करें, सकारात्मक भूमिका। तुम्हारी सैलजा ने बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार बनी उसको भानुमति का कुनबा करार दिया है। बात यह है, हाथ ना पहुंचे थूकोड़ी। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि हमारी सरकार बन जाए, अब नहीं बनी तो परेशान है, परेशान होके इनको हर चीज़ गलत नज़र आ रही है, तो इसलिए ये अब हमारे ऊपर इस प्रकार की बातें करते हैं। सही मानों में तो इससे इनकी हताशा नज़र आती है। गोहाना बस स्टैंड पे पिछले कई महीना तक लगातार बसा की संख्या घटती जा रही है, जिसका फायदा प्राइवेट बस चालका तक लेके प्राइवेट टैक्सी चालका ने होने लग रहा है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करा तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 3 बस कंडम होगी से, और गोहाना बस स्टैंड पर लगातार बसा के कंडम होने से रोडवेज बस में सफर करने वाले यात्री घनी परेशानियों का सामना करने लग रहे हैं। देखो के की मकैन लग रही है। गौरतलब है कि गोहाना बस स्टैंड पर एक साल पहले 71 बस थी, लेकिन लगातार बसा की घटती संख्या के चलते आज गोहाना बस स्टैंड पर 54 बस रहेगी से। अब दिसंबर के महीने में 3 और बस कंडम घोषित करी जाएंगी, जिसके चलते दिसंबर तक गोहाना बस स्टैंड पर 71 में से 51 बस बच जाएंगी। यात्रियों ने अपने गंतव्य तक पहुंचाने खातर अधिकारियों की ओर से इन बसों का संचालन 13 रूटों पर कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार हर रोज करीब 10,000 यात्री इन बसों में यात्रा करे से, और यात्रियों की संख्या के अनुपात में बसों की संख्या बहुत गणी कम से। रोडवेज विभाग के नियमानुसार 8 साल बस पुरानी होने के चलते वह कंडम घोषित करी जा सके। तो नवंबर के महीने में 3 दिनों में रोडवेज की 2 बस कंडम होगी से। ये बस सोनीपत और रोहतक रूट पर चला करे थी। बस कंडम होने पे इन रूटा पे बसा की संख्या कम होगी से, और बसा की संख्या कम होने के चलते यात्री अड्डा परिसर में घनी देर तक खड़े रहे से। यात्रियों का कहना है कि रोडवेज की बस घनी लेट आवस है, इसे में वह प्राइवेट वाहन पर निर्भर रहे हैं, और प्राइवेट वाहन में घनी भीड़ होवे से, और घनी भीड़ के चलते खास तौर पर महिला यात्रियों घनी असुविधा हुए थे। इससे हमारा पढ़ाई का टाइम भी खराब होता है, कई बार तो मतलब 2-1.5 वाली बस 2:30 बजे आवे है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाए पढ़ाई का। तो बसों की भी कमी है कुछ? हाँ, बसों की कमी भी है, इतनी देखते नहीं है। हर रोज ऐसा ही होता है? हाँ, हर रोज हो जाए भाई, एक आधी बस ट्रेन पास आवे है बस, बस यो काम चल रहा है। जो है पिछले एक महीने में 5 से ज्यादा रोडवेज बसों को जो है कंडम घोषित किया जा चुका है, और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं कि ये बस जो है कुछ दिन पहले तक रोड पे बेड़े लगाती थी, आज जो है इसको यार्ड में खड़ा कर दिया गया है, इसको कंडम घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कितनी धूल यहाँ इन बस में चढ़ी हुई है। अब जो है इन ये बसें जो है यहाँ शराबियों का अड्डा जो है बनती जा रही हैं, शराब की बोतलें इसके अंदर पड़ी हैं, सीटें खराब पड़ी हैं। इसके अलावा जो कंडम लगातार बसें यहाँ
कंडम होती जा रही है, उसके चलते जो है लगातार जो यात्री है उनको परेशानी का सामना। गोहाना सब डिपो की तीन और बसा का पीरियड दिसंबर महीने में समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार पीरियड समाप्त होने पर ये बस कंडम घोषित करी जाएंगी। तीन बस कंडम होने तक सब डिपो के बेड़े में बसा की संख्या कम होकर 51 रह जाएगी। बेड़े में लगातार कम हो रही बसा की संख्या तय अधिकारी भी टेंशन में से। लोकल रूटा पर बस सेवाएं सुचारू रखने खातर अधिकारियों ने मुख्यालय से नई बसा की मांग करी से। जो ये हमारा डिपार्टमेंट है इस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। पाँच साल में इतनी बसें कंडम हो चुकी हैं, लगभग 1500 के आसपास। नई बसें लेकर आना तो सरकार का वो है ही नहीं कोई कदम। बल्कि जो कंडम हो रही है उनके बदले जो महकमा डिपार्टमेंट बसें लेके आता था वो भी सरकार बसें नहीं लेके आ रही। और बसों का इतना भारी टोटा हो रहा है कि बसों की 8 साल की म्याद होती है और बसों की 2-2 बार एक्सटेंशन लेने के बाद भी सरकार आम जनता को बहुत ही जानमाल के हानिकारक का ध्यान नहीं है। ये बसें इतनी कंडम हो चुकी हैं कि एक एक साल के एक्सटेंशन के बाद दोबारा एक्सटेंशन ली जा रही है, जो कि एक बहुत ही जोखिम भरा सफर है सवारियों के लिए और जानमाल की हानि हो सकती है। गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं फिर भी इनसे सरकार एक्सटेंशन लेकर बार बार इन्हीं को गाड़ी रूट पर दौड़ा रही है। इनमें स्पेयर पार्ट की भी कमी है, गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। प्राइवेट बसा में ना तक कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के बस पास मान्य होते, ना ही 60 साल तो ऊपर बुजुर्गा तय आदि टिकट मिलती। सरकार की ओर से जितनी सुविधाएं दी जा सके उनसे भी वंचित रहना पड़ा है। रोडवेज बसा की कमी सिर्फ गोहाना में नहीं है बल्कि यह दुर्दशा तो पूरे हरियाणा की है। लेकिन देखना होगा कि सरकार कद तई रोडवेज बसा की आपूर्ति ने पूरा करेगी और सरकार के वायदे केवल चुनावी वायदे साबित होंगे और कि ये पूरे भी होंगे। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। और करनाल के सहकारी चीनी मिल का आज 44वां पेराई सत्र शुरू हो गया से, जिसके बाद जिला प्रशासन ने हवन यज्ञ कराया और पूरे मंत्र उच्चारण की गेला गन्ना पेराई सत्र शुरू करा गया। गौरतलब है कि करनाल की शुगर मिल घनी पुरानी हो रही है और चीनी मिल के नवीनीकरण की मांग न लेकर किसान कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन आज नई चीनी मिल के नवीनीकरण न लेकर मिल प्रशासन और कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन होया से, जिसमें 11 महीने के भीतर किसान ने नया चीनी मिल मिलेगा। और इस मौके पर चीनी मिल में अच्छा गन्ना लाना और घने गन्ने की फसल पैदावार करने वाले प्रगतिशील किसान भी सम्मानित करे गए हैं। 19 बार ये मेल अवार्ड जीत चुका है और मौजूद मेहमानों के करकमलों से यहां पर यह खबर फतेहाबाद से है, जहां से सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम का पुतला फूंका। किसान पराली जलाने के आरोप में दर्ज करे गए मामले का विरोध करने लाग रहे हैं। किसानों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए पहले तो शव यात्रा निकाली और बस अड्डे के दौरा सीएम का पुतला फूंका। किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए इनू कहा कि 25 नवम्बर ने रतिया में किसानों की बैठक बुलाई है और न्यू भी कहा कि इस बैठक के बाद चर्चा के बाद किसान कई बड़े फैसले का ऐलान कर सके। किसानों का आरोप के पिछले 3 साल तय वेदान की जो पराली से उसका समाधान करने लेकर धरना प्रदर्शन करने ला गए से, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने तैयार कोन्या हो रही से, जिसके बदौलत किसान पराली जलाने मजबूर हो रहे सर। फिर सरकार उन पर लगातार केस ठोकने लाग रही से। मामला यही है जी, सरकार ने गलत नीतियां सरकार ने की था 5 नवंबर तो लेके 15 नवंबर तक जिन्होंने धान कटे उन्होंने बोनस देगी, बाकी जड़े है उन्होंने पूछो जी मुछलदार है वो पराली में साड़ लैन लोग जो साड़ते हैं फिर परचे देंगे है वो खिलाफ अभी कर रहे हैं कि बोनस दो तो सब दो चाहे किसी ने जीरी लाई है चाहे किसी ने बासमती लाई है। फतेहाबाद जिले में 500-600 किसानों के ऊपर प्रशासन ने पराली के नाम पर परचे दर्ज कर दिए। किसानों का तो दोष नहीं है, किसानों को आपराधिक मामले दर्ज करके जेलों में भेजा जा रहा है। आज उसके विरोध में हमने ट्रैक्टर का पुतला गाड़ा है और हमने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से इन पर्चों को रद्द किया जाए, नहीं किसान संघर्ष समिति किसानों को साथ लेकर सड़कों पर उतरेगी। हम बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक किसानों के पर्चे रद्द नहीं होते, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे अपना। हमारा यो बुलेटिन जारी रहेगा, तावड़े आवांगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बाट देखियो। गंगा चाय
में।